प्रदेश के स्कूलों में आज हुआ शाला प्रवेश उत्सव। मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित चार जिलों सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर में बंद 260 स्कूलों को फिर से किया शुरू। केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए प्रदेश के युवाओं में दिख रहा है उत्साह। कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डीएस सिंहदेव ने कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। और प्रदेश भर में प्री मानसून की स्थिति, निगम प्रशासनों ने चलाया सफाई अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश के स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बटन दबाकर नक्सल प्रभावित चार जिलों सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर में बंद पड़े 260 स्कूलों को फिर से शुरू किया। इन स्कूलों से 11,013 बच्चों को शिक्षा का लाभ मिलेगा। बीजापुर जिले में सबसे अधिक 158, सुकमा जिले में 97, नारायणपुर जिले में 4 और दंतेवाड़ा जिले में एक बंद स्कूल फिर से खोला जा रहा है। राजधानी रायपुर के सभी शासकीय स्कूलों में आज शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस दौरान छात्रों को यूनिफॉर्म और किताबें बांटी गई। जेएन पांडे शासकीय स्कूल में काफी संख्या में बच्चे उपस्थित हैं। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए यहाँ पर सेल्फी जोन भी बनाए गए हैं। वहीं लक्ष्मी नारायण कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्कूल में भी पहले दिन ही बच्चों की उपस्थिति काफी अच्छी रही। यहाँ भी कोरोना गाइडलाइन के तहत पढ़ाई शुरू की गई है। यहाँ की प्राचार्य मनीषा गहोई ने बताया कि स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। स्कूल का पहला दिन है, बच्चों की संख्या काफी अच्छी रही। शासन के निर्देशानुसार जितनी तैयारी बताई गई थी सारी सुविधाएं उपलब्ध है और बच्चे भी काफ़ी उत्साहित होके आए हैं। उनको भी नए सत्र में काफ़ी अच्छा लग रहा है कि पहली बहुत दो साल बाद उन्हें 16 जून से स्कूल आने मिला है। वहीं प्रदेश भर के स्कूलों में आज शाला प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए गए। माओवाद प्रभावित जिलों में बंद स्कूलों के खुलने से लोगों में उत्साह का माहौल है। प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग भी इन स्कूलों के संचालन को लेकर सजग हैं। आइए इस संबंध में अधिक जानकारी लेते हैं बस्तर संभाग के संयुक्त संचालक शिक्षा राम सागर चौहान से। हेलो जी सर, नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपका स्वागत है। सर नमस्कार मैडम, थैंक यू। सर लंबे समय के बाद स्कूल खुले हैं और जो वहाँ के बच्चों में काफी उत्साह देखा जा रहा होगा निश्चित रूप से, कैसी उपस्थिति देखी जा रही है सर? आज शिक्षा सत्र के पहले दिन ही बच्चों में बहुत ज्यादा उत्साह था और शिक्षा विभाग ने इसके लिए जो उनके पाठ्य पुस्तक और गणवीर मध्यान्ह भोजन ये सभी चीजों की सुचारू संचालन के लिए एक निर्देश जारी किए थे। उसके अनुसार हमारे जो शिक्षा विभाग के जी अधिकारी कर्मचारी हैं जो फील्ड लेवल के, उन्होंने स्कूल लेवल पर मुस्तैद होकर सारे स्कूलों की साफ सफाई, बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्था, ये सभी चीजें उन्होंने करके रखा था और बच्चे बड़े उत्साह के साथ आज शाला प्रवेश में पार्टिसिपेट किए हैं। जी जी सर, चूंकि ये इलाका जो है नक्सल प्रभावित है, काफी कुछ चुनौतियां रही होंगी, किस तरह से निपटने के लिए या किस तरह की तैयारियां इस संबंध में की गई हैं? जी निश्चित रूप से बस्तर संभाग में शिक्षा के क्षेत्र में एक तो बिहड़ है, दूरस्थ अंचल में है ओरछा, कुंटा गांव, ये जैसे दूरस्थ अंचल के विकास खंड है। इसके बावजूद इस बार जो व्यापम से शिक्षकों की भर्ती हुई थी उसमें हम लोगों ने जो वहाँ पोस्टिंग किया है और नए शिक्षक हैं वहाँ जाकर इन लोगों में उत्साह है और जिस तरह से इन लोगों का विभाग ने उत्साहवर्धन किया है उस हिसाब से इन लोग स्कूल में पहुंच गए हैं। आज की तारीख में बहुत नहीं के बराबर ऐसे स्कूल होंगे जहां पर शिक्षक नहीं पहुंचे होंगे या उनकी नियुक्ति नहीं होगी। यहां पर स्थानीय स्तर पर शिक्षा दूत के नाम से व्यवस्था किया गया है जो स्थानीय शिक्षक हैं, स्थानीय लोग हैं जिनके सहयोग से जो सारे स्कूल हैं वनांचल एरिया के बस्तर संभाग के, वो सारे स्कूल
की शुरुआत आज हुई है और बच्चों को पाठ्य पुस्तक और निःशुल्क गणवेश मध्याह्न भोजन बच्चों को दिया गया है। और जो नए बच्चे हैं आंगनबाड़ी में जो थे और जिनकी 5.5 साल या 6 साल उम्र हो गया है उनको हम लोगों ने फूल टीका लगा के स्कूल में प्रवेश दिलाया है। ये भी काफी उत्साहजनक था और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय लोगों ने जो स्कूल शिक्षा समिति है SMC बोलते हैं उनके लोगों ने भी बढ़ चढ़ के बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आज स्कूल में आकर पार्टिसिपेट किए हैं और शाला प्रवेश उत्सव में उन्होंने सहभागी दिया है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि शिक्षा संभाग बस्तर में अच्छा रहेगा एजुकेशन। जी 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 सर, चूंकि आप बता रहे हैं कि वनांचल एरिया है, दूरस्थ स्थल है, तो किन किन वनांचल एरिया से दूरस्थ स्थानों से बच्चे शाला में पहुँच रहे हैं? ये आज के स्थिति में वैसे एक्सेस सारे जगह हैं स्कूल के, लेकिन कुछ जो नक्सल प्रभावित एरिया थे उसमें कुछ कारण से आप लोगों को याद होगा कि कुछ साल पहले जो सलवा जुड़म और कुछ कुछ चला था जिसमें स्कूल बंद हो गए थे या नक्सलाइट स्कूलों को तोड़ दिए थे या जला दिए थे, तो इस डर से स्कूल बंद हो गया था। उनको इधर 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 उधर की स्कूल जिन लोग जा सके थे आश्रम शाला है कोटा के भी में और ऐसे जगहों पर उनको पढ़ा रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुआ था और स्थानीय जो समुदाय है और पेरेंट्स ने जो उनके सामने मांग रखा था कि जो स्कूल बंद हो गए हैं उनको वापस खोलना चाहिए, तो उन्होंने विभाग को निर्देश दिया। उस हिसाब से हम लोगों ने तैयारी करके जो सारे बंद स्कूल थे 450 से ऊपर उसमें से 261 स्कूल आज शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल माध्यम से किए हैं और फेज वाइज बाकी को भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जाएगा। सर, ये जानना चाहेंगे कि इस दौरान कई बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके हैं, क्या उनको फिर से स्कूल में वापस लाने के लिए क्या कुछ कवायद की जा रही है? बिल्कुल, जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं ऐसे बच्चे उनको खासकर जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल के जो बच्चे हैं 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनका तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जो बच्चे बड़े हो चुके हैं और जो कमाने लायक हो गए हैं उनको कुछ पेरेंट्स के साथ काम करने चले जाते हैं, ऐसे बच्चों को भी हम लोग मोटिवेट करके जो ओपन स्कूल है या माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो स्कीम है पत्राचार के माध्यम से पढ़ने के, ये सभी चीजों में उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चौहान जी, और बहुत अच्छी जानकारी दिए हैं आपने। और आज शाला खुलने का पहला दिन है, बच्चों में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेना में भर्ती को मंजूरी देते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है। इसके तहत 4 वर्षों के लिए युवाओं की सेना में भर्ती की जाएगी। इस घोषणा के बाद प्रदेश के युवाओं में भी सेना में भर्ती को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। धड़कती है आग दिलों में देश की रक्षा की, बाजुओं में तमन्ना है खतरों से लोहा लेने की, रोमांच दौड़ता रग रग में तुम्हारी, इस खेल में नहीं तुम्हारा कोई सानी। युवा हो तुम, देश की जान हो तुम, ये मौका है अपने और अपनों के लिए एक गर्व से भरा उज्जवल भविष्य बनाने का। जिंदा दिली से जीने का, बने भारत के अग्निवीर बने। युवाओं के लिए पहले तो ज्यादा युवाओं को फौज में भर्ती होने का मौका मिलेगा,
फौज में नौकरी करने का एक अवसर मिलेगा और ज़्यादा युवा भर्ती होने के कारण फौज भी युवा शक्ति बने रहेगा और जो अच्छा काम करेंगे इसमें उन लोगों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा क्योंकि वो आगे चलते हुए फौज में कंटिन्यू करेंगे और जो फौज से रिटायरमेंट हो जाएंगे उनके लिए भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में प्रायोरिटी रखा जाएगा भर्ती होने के लिए। अग्निपथ योजना देश के हित में है, सरकार का फैसला बहुत अच्छा है। इससे युवाओं को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार के साथ साथ शिक्षा मिलेगी, शिक्षा के साथ साथ अनुशासित होंगे, 4 साल नौकरी करने के बाद उनको एक अच्छी खासी रकम मिलेगी जिससे वे अपना स्वयं का कोई व्यवसाय चालू कर सकते हैं। गौरतलब है कि इस योजना के तहत 17.5 साल से 21 साल के युवाओं की भर्ती की जाएगी। इन्हें 10 हफ्ते से 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी। 10वीं और 12वीं पास युवा आवेदन के लिए पात्र होंगे। यदि कोई अग्निवीर देश सेवा में शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी जाएगी। साथ ही बची हुई नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। कांकेर जिले में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का व्यापक असर दिख रहा है। घर घर जाकर मितानिनों द्वारा मलेरिया की सघन जांच की जा रही है। मितानिनों द्वारा मलेरिया के साथ साथ टीबी, स्केबिस, मोतियाबिंद की भी जांच की जा रही है। कांकेर जिले से 85 किलोमीटर दूर स्थित गावड़े खस गांव में काम करने वाली मितानिन कौशल्या ने बताया कि अब तक किसी भी व्यक्ति का मलेरिया पॉजिटिव नहीं आया है। किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो उन्हें भी दवा दी जा रही है। गांव के आरएचओ सावंत नुरेटी ने बताया कि मोतियाबिंद के 2-3 के सामने आए हैं परंतु अब तक मलेरिया पॉजिटिव व्यक्ति नहीं मिले हैं। गावड़े खस गांव में अभी सघन मलेरिया अभियान के तहत मलेरिया सर्वे घर घर जाकर कर रहा हूं। साथ में टीवी खुजली आई अभी जांच कर रहा हूं। अभी तक किसी का मलेरिया पॉजिटिव नहीं आया है। आई वाले तो 2-3 केस मिला है और अभी तक तो किसी और बीमारी का कोई लक्षण नहीं प्राप्त हुआ। ग्रामीण मनोतिन और सुनीता कड़ियाम ने बताया कि मितानिनों द्वारा घर में आकर मलेरिया टीबी की जांच की गई, कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है। ये चेक करेल जाते हूं लेकिन मलेरिया अभी तक ले कोई नहीं निकली से और टीबी आंखी खुजली के भी चेक करथन और कोई ला हो रहते वाला दवाई भी देथन। सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस तरह की योजनाओं से लोगों में जागरूकता आई है जिससे अब वे बीमार होने से झाड़ फूंक के जगह मितानिन दीदियों से दवा ले रहे हैं और अस्पतालों में जाकर इलाज करा रहे हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। केंद्र सरकार के वोकल फॉर लोकल स्कीम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन परिसर में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का शुभारंभ अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल ने किया है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के शुभारंभ हो जाने से यहां जिले की हस्तकला और शिल्प कला को बढ़ावा मिलेगा। वहीं इस योजना के तहत रोजगार सृजन भी होगा, साथ ही कामगारों की आय में वृद्धि होगी। इस योजना में हस्तशिल्प कलाकृतियां, हथकरघा, पारंपरिक वस्त्र, स्थानीय महिला स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पाद को शामिल किया गया है। जशपुर जिले में केमोमाइल के खेती का सफल प्रयोग किया जा रहा है। केमोमाइल बहुत ही लोकप्रिय एवं व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण गुणवत्ता वाला तैलीय पौधा है। इसका उपयोग हर्बल चाय और फार्मा उत्पादों में किया जाता है। इत्र, पेय और बेकरी उत्पादों में स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट एवं शामक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। यूनानी चिकित्सा पद्धति में भी यह लोकप्रिय है। वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जशपुर में केमोमाइल की खेती से छोटे किसान लाभान्वित होंगे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।